तो भाई ये है शेवरोले की टवेरा, ये चल चुकी है 3.5 लाख अप्रोक्स किलोमीटर्स। तो इसका करते हैं साउंड टेस्ट, अभी है ऑक्स मोड में। तो ये हो गया इसका म्यूजिक वाला टेस्टिंग वीडियो, और बाकी मैं ड्राइविंग पार्ट भी लेकर आऊँगा शायद। इसका डिसएडवांटेज है कार का कि इंजन बड़ा है और पावर उतना खास नहीं है, एसी पे उसका पावर पूरा ही दब जाता है और वाइब्रेशन ज़्यादा है। देखो अभी एक्सेलरेट करूँगा मैं, साउंड सुनो इंजन का कितना ज़्यादा है। ये अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसको मैंने ट्यून किया अच्छे से म्यूज़िक सिस्टम, तो इसका प्रॉपर एक म्यूज़िक अच्छा आ रहा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी मैंने अब तक इसका ये सुना है, लाइक बेस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। हेडफोन लगा के सुनो, बाय द वे इसमें 4 स्पीकर सेटअप है। ये है एक स्पीकर सेम यहाँ पे हुई ड्राइवर साइड में, और पीछे जो है 2 बॉक्स वाले स्पीकर है, लेकिन एक मैंने वूफर लगाया छोटा वाला जो होम थिएटर रहता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है इस वाले बॉक्स से एक स्पीकर हटा के। लाइक जैसे कि ये 4 स्पीकर का सेटअप है, तो एक पीछे का स्पीकर हटा के मैंने उसमें वूफर कनेक्ट किया है डायरेक्टली विदाउट एम्पलीफायर। तो अभी ये वाला स्पीकर जो है बंद है, तो पीछे के 2 और ये वाला 1, ऐसा 3 का सेटअप है और इतना अच्छा साउंड आ रहा है। मीन्स आप टॉप लेवल के इससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम बोल सकते हैं इसको। बेस बहुत बढ़िया आ रहा है, बाकी ये भी अगर स्पीकर चालू होता तो अच्छा होता, म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया होता। बाकी ये तो चल चुकी 3.5 लाख किलोमीटर्स अप्रॉक्स, 3.4, 6.4, 3.7, और देखते हैं इसमें और क्या ऐड करता हूँ मैं बाद में। इसका सेटिंग जो है, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, एक इधर साइड एक उधर साइड, ऐसे ये लीगल तो नहीं यहाँ पे बैठना, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। कार फिलहाल ऑन है, थोड़ा इंजन का नॉइस आपको आ रहा होगा। और यहाँ पे है सीट बेल्ट इस साइड, उस साइड है जो सीट बेल्ट इतना एक्सटेंड होता है। बाकी यहाँ पे 2 लोग बैठ के भी एक ही सीट बेल्ट से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जुगाड़ू कार रही है। और इसमें एसी आता है, वही बहुत बड़ी बात है। इसमें आप हालांकि टच स्क्रीन सेट कर सकते हैं, 7 इंच वाला आराम से आ जाएगा। जो फ्रेम देख रहे हैं टच वाला फ्रेम, मतलब टच के हिसाब से ही है। यहाँ पे छोटा 1 डिन वाला लगा है, आप 2 डिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ऑटो डिमिंग तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है,
मीन्स आता ही नहीं था। इसका एक्सटीरियर लुक आपको आगे दिखाऊंगा, पीछे से भी दिखाऊंगा। ये ऐसा कुछ फ्रंट से, और यहाँ पे हुक्स आप देख सकते हैं, इस साइड एक हुक है, ये इधर दो है, सॉरी इधर एक है, उधर एक और, पीछे में चार, इधर एक, लाइक एक दो, एक दो इधर साइड नहीं है, मीन्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है टोटल। और सीट्स ये बीच वाली सबसे कंफर्टेबल है, और पीछे में जो है वो इस टाइप के सीट्स है, जैसे स्कॉर्पियो में आते, स्कॉर्पियो के कंपेयर में बहुत बढ़िया सीट्स है। बाकी इसका एक्सटीरियर भी दिखा देता हूँ आपको। डोर्स थोड़े आवाज कर रहे हैं। ये इसका एक्सटीरियर लुक, इसमें हैलोजन आते हैं। लॉक इसको खोलने में आधा घंटा लगता है, कभी खुल गया। ये ऐसी सीट है, इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। बेंच सीट ये इस साइड वाली और इस साइड वाली काफ़ी बड़ी है, लाइक तीन जन तो बैठ सकते हैं एक साइड में, तीन तीन छः लोग और भी ज़्यादा बैठ सकते हैं, डिपेंड करता है। और ये जो स्पीकर मैं बोल रहा था, ये स्पीकर से दो, एक दो, ये इसका मॉडल नंबर LS Neo 3 Chevrolet जो कि जा चुकी है अभी। ये भी लॉक बन सकता, ऐसी है इसकी सीट्स। ये कवर चढ़ा है इसमें, लेदर आता था, लेदर है, फैब्रिक आता था शायद से, नीचे में कुछ सामान है। और इसमें ऑटो पावर अप डाउन आता है, अभी कीज निकालिए तो वर्क नहीं करेगा। इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि इसका बोनेट अभी ओपन नहीं हो सकता, इसका जो है लॉक, एक सेकेंड, लॉक जो है टूट चुका है, ओपन नहीं होगा बोनेट। करते हैं कार को स्टार्ट और इसकी साउंड सुनो। मैं थोड़े शीशे नीचे कर लेता हूँ, डोर ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है सुनो अभी। इंजन दिखाने वाला था लेकिन जो है लॉक खराब हो चुका है अभी फिलहाल, अब अगर कभी चांस मतलब सुधर जाता है तो दिखा दूंगा, मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। मिरर में कोई ये नहीं है ऑटो डीमिंग वगैरह, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर लो। और इधर आता है सरप्राइजिंगली, नहीं इधर नहीं आता है, सॉरी, वही जो बेसिक सा मिरर है, ये हो गया मिरर। और ये एक्सटेंड नहीं होता, बस ऐसे कर सकते हो, एक्सटेंड तो नहीं होगा, आप ऐसे कर सकते हो इसको। शेवरोलेट एंड व्हाट नॉट, कुछ नहीं है, बेसिक, सारा कुछ बेसिक है। मैं इसका एक्चुअली रिव्यू यूट्यूब पे ढूंढा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मैं बोला व्हाई नॉट टू शूट दिस कार और डाल दिया वीडियो बस ऐसे ही। बहुत रेयर दिखती है अभी तो, मीन्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी इसके पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो कार धीरे धीरे गायब होने वाली है मार्केट से, लेकिन बहुत बढ़िया कार है मेरे हिसाब से तो। ये कॉल आ रहा है, अभी एक वीडियो बंद करना पड़ेगा। ओके दैट्स इट इन दिस